फर्ज कर लीजिए कि भाई क्वीन ए हमने चूज की, और क्वीन ए जब चूज की तो हमने ये डिसाइड किया कि क्वीन ए को बिल्कुल हम ऑर्डर में करेंगे, तो फर्स्ट में हमने पुट कर दी। तो अब क्वीन ए तो फिल हो गई, मतलब ए को हमने वैल्यू असाइन कर दी 1। फॉरवर्ड चेकिंग से हमने चेक कर लिया बाकी, ए को हमने वैल्यू असाइन कर दी 1। अब हम फॉरवर्ड चेकिंग से चेक कर रहे हैं बाकियों को, तो बी के पास क्या ऑप्शन है? बी के पास से ऑप्शन जो खत्म हो गए वो डायगोनली भी देखें और हॉरिजॉन्टली भी देखें। तो ये ऑप्शन बी के पास से खत्म हो गया, ये ऑप्शन बी के पास से खत्म हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर, क्या बी के पास से ऑप्शन नंबर 1 और 2 खत्म हो गया? और सी के पास से ऑप्शन नंबर 1 और 3 खत्म हो गया? एंड डी के पास से ऑप्शन नंबर 1 और 4 खत्म हो गया? ऐसे ही है, मैं लिख देता हूं। ये समझ में आ गया हम सबके? अब हम आगे बढ़ते हैं दोबारा से। अब हम चूज करेंगे क्वीन बी को, तो क्वीन बी के पास सिर्फ 3 और 4 ऑप्शन है, तो हम उसको दे देंगे 3। क्वीन बी को पॉइंट नंबर 3 पे बनाने के बाद अब सी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या बचा? इसके पास से पहले 2 और 4, लेकिन इसको 3 में बनाने से इसके पास से 2 और 4 दोनों खत्म हो गए। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब है क्वीन बी को 0.3 पे नहीं बना सकता। क्लियर? तो हमने क्या किया, हमने वापस हम एक स्टेप पीछे गए और हमने कहा कि भाई बी का 3 ऑप्शन तो काम का नहीं है, तो बी के पास क्या कोई और ऑप्शन है? बैक ट्रैकिंग में यही होता है। तो बी ने कहा कि भाई हमारे पास एक ऑप्शन और है, वो है 4। तो हमने वहीं से कंटिन्यू किया जहां से पीछे गए, और वहां हमने दोबारा से ए को 1 रखा और बी को अब हमने 3 की जगह क्या दे दिया? 4। और सी और डी से उनके ऑप्शंस पूछे, तो हम पहले उतना फिल कर लेते हैं जितना हम करके आए। ये था। अब बी को यहां बनाने से सी का ऑप्शन नंबर पूरा खत्म हो गया, सिर्फ 2 बचा, और बी को यहां बनाने से डी का ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया, सिर्फ 3 बचा। ऐसा ही है, क्या ये सब यूनिक है? लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी है। है ना प्रॉब्लम? हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, फंस जाएंगे तो बता देंगे आपको, ठीक है? फिर हम यहां गए और हमने कहा कि भाई क्योंकि हमने अभी वैल्यू असाइन नहीं की सी को,
तो हम यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते डी को, जब हम वैल्यू असाइन कर देंगे तो डिलीट करेंगे। तो हमने ए को रखा वन, डी को रखा फोर, सी ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया। अब सी के बाद एक ही ऑप्शन है, मजबूरी है, वही असाइन करेंगे। और सी को हमने असाइन कर दिया टू, सी को ये असाइन करने से डी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इज इट क्लियर? तो यहां से हमने बैक ट्रैकिंग करके यहां गए, अब यहां से हम दोबारा यहां जाएंगे और बैक ट्रैकिंग पे जाके बी से दोबारा पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई मजीद ऑप्शन है। बी कहेगा कि मेरे पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ वापस जाऊंगा, और बी मतलब सी से पूछा कोई ऑप्शन नहीं है तो सी ने कहा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सी ने, क्योंकि बी तो फोर था, सी को टू असाइन किया, वापस गया सी से पूछा कोई और ऑप्शन है, सी ने कहा नहीं है, तो सी से वापस गया बी पे और बी से पूछा क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है, बी ने कहा कि मेरे पास भी दो ऑप्शन थे मैंने यूज कर लिए, तो मैं दोबारा से ए के पास जाऊंगा और ए से बोलूंगा कि आपने वन से स्टार्ट किया था, वन से हमारे पास कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो ए कहेगा कि मेरे पास ऑप्शन है, ए कहेगा कि मेरे पास ऑप्शन है, और ए के पास अब वन वाला ऑप्शन फेल हो गया, तो ए के पास जो ऑप्शन है वो क्या है टू, तो ए को हमने असाइन कर दिया टू। इज इट क्लियर? और ये ए हमने असाइन कर दिया, ए को यहां असाइन करने से रिमेनिंग ऑप्शंस क्या क्या खत्म हो गए, तो बी के पास क्या ऑप्शन बचे, ओनली फोर, ऐसे ही है, वन भी खत्म, टू भी खत्म, थ्री भी खत्म, निदा ठीक है बेटा। अच्छा सी के पास क्या ऑप्शन बचे, वन एंड थ्री, एंड डी के पास क्या ऑप्शन बचे, वन थ्री एंड फोर, वो फुली सही किया होगा मैंने। अच्छा फिर अब बी के पास गया तो बी के पास एक ही ऑप्शन है, ए को हमने असाइन कर दिया दोबारा से वही टू, बी को हमने फोर कर दिया, तो ए यहां पर है, बी यहां पर है, ये सब खत्म हो गए, बी की वजह से ये खत्म हो गया और कुछ ठीक है। तो सी के पास जो ऑप्शन बचा वो बचा वन, और डी के पास जो ऑप्शन बचा वो बचा वन एंड टू। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूजन हो? अब सी को फिर हमने वन, ए की वैल्यू है तो सी को हमने वन असाइन कर दिया, और हमने इसको वन असाइन किया, तो देख लेते हैं डी के पास क्या बचा, इसको हमने टू असाइन किया हुआ है, तो फोर, इसको वन, तो ये खत्म हो गए। ये बचा से तो डी के पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है, थ्री, तो बस डी को फिर हमने ये साइन कर दिया और कोई क्लैश नहीं आ रहा, तो हो गया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक दो तीन चार पांच और सात आठ, आठ स्टेट में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से अगर आप फॉरवर्ड चेकिंग से काम कर लें तो बेसिकली आपके पास बड़ी वैरायटी आ जाती है कि आप एट क्वीन पजल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब आप लोग एक काम कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए कि मैंने वन टू किया था ना, आप थ्री और फोर को भी चेक कर लीजिएगा एक, ताकि पता चले कि फोर क्वीन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। क्लियर? मैंने आपको सेकंड असाइनमेंट क्या दिया था, जेनेटिक एल्गोरिथम वाला ना, ठीक है याद आ गया मुझे। कोई सवाल है यहां तक? कोई भी सवाल है यहां तक तो बता दीजिए।
कंबाइन ऑल दीज टेक्निक वी कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ इवन के 1000 क्वीन प्रॉब्लम। स्लाइड में लिखा अभी था, ये देखिएगा। अब एक प्रॉब्लम आती है कि भाई आप फॉरवर्ड चेकिंग में फंस जाते हैं, तो देखिए फॉरवर्ड चेकिंग आपकी हेल्प करती है। एक और कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है आर्क कंसिस्टेंसी। मतलब हम उसको कंस्ट्रेंट प्रोपोगेशन भी कहते हैं, आर्क कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। वो क्या होता है, वो एक मेथड है, वो मैं उसको अगर आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊं, इस स्लाइड से या उससे, दूसरी स्लाइड से समझा। चलें जी, मैं आपको समझा रहा हूँ आर्क कंसिस्टेंसी, और इस पर थोड़ी सी आपका कंसेंट चाहिए होगा, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए। देखिए भाई, आर्क कंसिस्टेंसी क्या चीज है, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। दो आर्क, अच्छा आर्क कंसिस्टेंसी से हम करते क्या है वो भी बताऊंगा, आर्क कंसिस्टेंसी पता कैसे करते हैं वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप, अगर दो आर्क कंसिस्टेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम उनको कंसिस्टेंट कर सकते हैं कोई वैल्यू डिलीट करके। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। कंसिस्टेंट इज नॉट अबाउट कि भाई आपके पास दोनों नोड्स के अंदर एक वैल्यू होगी। एक छोटा सा ग्राफ है, वो थोड़ा बड़ा ग्राफ था, इसको मैंने छोटा कर दिया। तीन नोड्स हैं वी वन वी टू वी थ्री, कोई से भी दो आर्क, आर्क का मतलब क्या है, दो कनेक्शन, मतलब V1 और V2 का आर्क बना हुआ है, V1 और V3 का आर्क बना हुआ है, V2 और V3 का आर्क बना हुआ है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि V1 और V2 आर्क कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि आर्क कंसिस्टेंट क्या होता है और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, तो फिर हम ये देखेंगे कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो आप आर्क कंसिस्टेंट की डेफिनेशन को जिस तरह से लें कि सर दो आर्क जब कंसिस्टेंट होते हैं, जब उनके दरमियान में, मतलब फर्स्ट करें मैं कह रहा हूं कि V1 का जो आर्क है वो V2 के साथ कंसिस्टेंट है, तो होना ये चाहिए कि V1 की जो भी वैल्यूज है इस वक्त ओवरऑल नहीं कह रहा, इस वक्त, और V2 की जो वैल्यूज है इस वक्त जो मौजूद है, V2 में क्या है, R और G। तरीका यह है कि आपने लिखा, सबसे पहले आप V1 को चेक कर रहे हैं V2 के साथ कि वो आर्क कंसिस्टेंट है या नहीं, इसमें भी वही लॉजिक है कि सेम कलर नहीं हो सकते। तो आपने V1 की पहली वैल्यू उठाई R, मुझे बताएं R के लिए, मतलब V1 की पहली वैल्यू R के लिए, क्या V2 के अंदर कोई एक ऐसी वैल्यू है कि जिससे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, क्या कंडीशन, कि सेम कलर नहीं हो सकते। क्या V1 की R वैल्यू के लिए, बेटा ग्रीन है, ग्रीन ब्लू तो लिखा हुआ ही नहीं है, ग्रीन है, ब्लू कहां से आ गया, ग्रीन लिखा हुआ आपके सामने, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम प्रॉब्लम के सेंटर में हैं कहीं पर, हम प्रॉब्लम के स्टार्ट में नहीं है, हमें प्रॉब्लम यहां तक सॉल्व हुई भी मिल गई, क्लियर, ये बात समझ में आ गई कि हमें प्रॉब्लम यहां तक सॉल्व हुई भी मिल गई। इसका मतलब है जो वैल्यूज हमें दी नहीं है हम सिर्फ उनको देखेंगे, इसके अलावा नहीं देखेंगे। सबसे कह रहा हूं बेटा, बात समझ में आ रही है, ये थोड़ी मुश्किल से समझ में आएगी अगर आप साथ साथ जवाब नहीं देंगे तो। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि V1 और V2 आर्क कंसिस्टेंट है या नहीं है। एक नई टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी, आर्क कंसिस्टेंट क्या होता है, तो अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ V1 V2 के साथ आर्क कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो V1 के साथ चेक, V1 को चेक कर रहा हूं, तो V1 पहले लिखा, V2 बाद में लिखा। अब V1 में तीन वैल्यूज है, RGB और V2 के अंदर है RG। अब होना ये चाहिए कि अगर ये दोनों, ये V1 V2 के साथ आर्क कंसिस्टेंट है, तो V1 की हर वैल्यू के लिए V2 के अंदर कोई ना कोई बंदा मौजूद होना चाहिए, या कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होनी चाहिए जिसके साथ कंडीशन ट्रू हो रही हो। V1 की हर वैल्यू के लिए V2 के अंदर कोई वैल्यू होनी चाहिए कि जिसके बाद कंडीशन ट्रू हो रही हो। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने यहां से R उठाया, तो R R के साथ कंडीशन ट्रू नहीं कर रहा क्योंकि ये दोनों सेम कलर है, ऐसा है या नहीं है, लेकिन R जो है वो G के साथ ट्रू कर रहा है,
क्योंकि आर इधर हो सकता है असाइन और जी इधर हो सकता है असाइन। अगर हम फर्दर बात करें तो आर अगर यहाँ है तो जी यहाँ हो सकता है, तो कंडीशन ट्रू हो रही है, कोई मसला तो नहीं है। शुरू में ये कहा था कि v1 की हर वैल्यू के लिए, तो सिर्फ अभी r के लिए ट्रू है, हमें g के लिए भी देखना है, b के लिए भी देखना है, अगर तीनों के लिए कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो हम कह देंगे v1 v2 के साथ r कंसिस्टेंट है। तो अब हम g उठाते हैं, पता है g के लिए कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है कि जिसके साथ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो? बिल्कुल है, ठीक है। इसी तरीके से ब्लू के लिए कोई ऐसी वैल्यू मौजूद है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज मौजूद है, दोनों के साथ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हो रही है नहीं हो रही? आर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जी के साथ, जी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आर के साथ, और बी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोनों के साथ। तो इसका मतलब है v1 v2 के साथ आर कंसिस्टेंट है। ब्लू के लिए बेटा आर और जी दोनों डिफरेंट है, टाइनस डिफरेंट है ना दोनों आर और जी, तो हो रही है कंडीशन सेटिस्फाई। कुछ कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। अच्छा v1 v2 के साथ आर कंसिस्टेंट है, अच्छा जी। अब दूसरा देख लेते हैं v1 v3। तो v1 की वैल्यू लिख लेता हूं, v1 क्या है, क्यों कर रहा हूं ये थोड़ी देर में बताऊंगा, सिर्फ आर कंसिस्टेंसी समझ लें। v1 क्या है, आर जी बी, और v3 क्या है, ओनली जी। तो अब आ जाते हैं बारी बारी, अब हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे काम। तो बताएं v1 की आर के लिए जी ट्रू हो रहा है, लेकिन जी के लिए यहां कोई वैल्यू नहीं है जिसके साथ ये सेटिस्फाई हो रहा हो, ऐसा ही है, तो ये आर कंसिस्टेंट नहीं है। इज इट क्लियर? कोई एक भी अगर फॉल्स हो रहा हो तो हम कह देंगे आर कंसिस्टेंट नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबसे पूछ रहा हूं, तो मुझे बताएं कि इस वक्त इस ग्रुप में क्या चेंजेस करूं कि ये आर कंसिस्टेंट हो जाए? यू आर अलाउड टू डू सो। आप कोई भी एक चेंजेस बता देंगे, क्या चेंजेस करूं कि ये आर कंसिस्टेंट हो जाए? अरे भाई ऐड क्यों कर रहे हो यार, यहां दुनिया डिलीट करने के लिए? आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए या उसको और कॉम्प्लेक्स करना है? मैंने क्या कहा, इस ग्रुप में क्या क्या चेंजेस करूं? तो सिंपल सी बात है कि सर आप v1 में से g डिलीट कर दें। बिल्कुल v1 से g डिलीट कर दें। अरे कनेक्शन क्यों डिलीट होगा बेटा, v1 से g डिलीट नहीं कर सकता मैं। अरे मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैं v1 से g डिलीट नहीं कर सकता क्या? अगर मैं v1 से g डिलीट कर दूं तो बताएं क्या ये आर कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा? अब अगर मैं v1 से g हटाई दूं, ये मैंने डिलीट कर दिया, तो अब b के लिए भी g ट्रू हो रहा है, तो हो गया आर कंसिस्टेंट, बिल्कुल कंसिस्टेंट होगा। तो यही तो करना है, यही तो इसका फायदा है, यही इसका फायदा है, जब भी तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ये देखें, अब मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, गौर से देखिएगा। ये देखें v1 और v2 का आर्क एग्जामिन किया हमने, कोई वैल्यू डिलीट नहीं हो रही क्योंकि दोनों आर्क कंसिस्टेंट है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सबसे पूछ रहा हूं बेटा, इसकी तीन चार एग्जाम्पल है मेरे पास, एक बोर्ड पे भी करवानी है। अब हमारी मर्जी है, हम रैंडमली कोई से भी आर
सिलेक्ट कर ले। हमने वी वन वी थ्री ले लिया जो हमने अभी समझा है, अभी हमने डिटेल में समझा है कि वी वन और वी थ्री को जब हम कंसिस्टेंट देखेंगे तो मतलब आर कंसिस्टेंट नहीं होगी तो हम किसी को डिलीट कर देंगे। तो वी वन में से हमने जी डिलीट कर दिया, स्क्रीन पर देखिएगा जी डिलीट हो गया। अब हम कौन सा ग्रुप बनाए, वी वन का वी थ्री के साथ, वी वन का वी टू के साथ बनाए या वी टू का वी थ्री के साथ? तो हम वी टू का वी थ्री के साथ बना सकते हैं, बना सकते हैं वी टू का वी थ्री के साथ। हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर इसमें से जी डिलीट हो जाए तो यार कंसिस्टेंट हो जाएगा, सही कह रहा हूं गलत? अगर वी टू और वी थ्री का ग्रुप बनाए तो यार कंसिस्टेंट नहीं है, नहीं है ना? तो हम इसमें से जी डिलीट कर दें तो ये दोनों आर कंसिस्टेंट हो जाएंगे, ये देखें, सही है? अब तो हमें देख के समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि हमारी ग्रिप हो गई होगी इस टॉपिक पे थोड़ी बहुत। V2 और V3 आर कंसिस्टेंट नहीं है तो G डिलीट कर दिया, कर दिया G डिलीट। अब V1 और V2 का ग्रुप बना लें, ग्रुप वो बनाएं जो आपके काम के हैं। अगर आप ग्रुप बार बार रैंडम बनाते रहेंगे जाहिर सी बात है तो कुछ डिलीट नहीं होगा, जैसे हमने ये ग्रुप बनाया था। तो मैं वो ग्रुप बना रहा हूँ जो मेरे काम का है, तो कोशिश करें ग्रुप बनाते हुए एक ग्रुप में लाजमी वो लें जिसमें दो वैल्यूज हो, ताकि अगर डिलीट होने के चांस हो तो डिलीट हो। एक ग्रुप में लाजमी वो चीज लाजमी लें जिसमें दो वैल्यूज हो, तो ताकि डिलीट होने के चांस हो। अब मैंने वी वन और वी टू का ग्रुप बनाया तो ये आर कंसिस्टेंट नहीं है, यहाँ से आर डिलीट हो जाएगा, ठीक है सर? अब बाकी सारे आर को देख लो, अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन हो गया। वी वन का वी टू के साथ ग्रुप बना लो, वी टू का वी थ्री के साथ और वी थ्री का वी वन के साथ, ये देखें सारे आर कंसिस्टेंट हो गए कंसिस्टेंट। ये यहां से पता चल गया था, ये यहां से पता चल गया दोनों, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। इज इट क्लियर? अगर इतना जितना हमने समझा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर सारे आर कंसिस्टेंट हो तो सॉल्यूशन भी मिल जाए। क्या कहा मैंने? सवाल का जवाब ये नहीं है कि सर सारे आर कंसिस्टेंट कर दें। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं कि सारे आर कंसिस्टेंट होंगे लेकिन सॉल्यूशन नहीं होगा प्रॉब्लम को। ये देखिएगा जी, मेरी ये वाली बात से समझ में आई ये वाली बात, कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि योर ग्राफ इज आर कंसिस्टेंट, ओवरऑल आर कंसिस्टेंट बट नो सॉल्यूशन। आपके सामने है, देखें इन तमाम आर्क को देख लें आप, ये कंसिस्टेंट है। ये देखें R के लिए G ट्रू हो रहा है, G के लिए R ट्रू हो रहा है, यहाँ पर R के लिए G, G के लिए R, यहाँ पर R के लिए G, G के लिए R। तो ये तमाम R का आपस में कंसिस्टेंट है बट नो सॉल्यूशन, सही कह रहा हूं? और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आर कंसिस्टेंट हो और एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। ये देखिए होगा यहां पर कहीं, ये देखें कह रहे हैं कि अगर ये आर कंसिस्टेंट भी है और सॉल्यूशन एक से ज्यादा भी आ रहे हैं, तो बेसिकली इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बोले आर कंसिस्टेंट कर लिया दो सॉल्यूशन आ जाएगा या आर कंसिस्टेंट कर लिया तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो दोनों केसेस मैंने आपको दिखा दिए। कोई सवाल यहां तक? ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें हमारे पास तीन आर्क हैं, सॉरी तीन नोड्स हैं, तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, तीन वेरिएबल हैं ए बी सी और डोमेन क्या है तीनों की 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। लेकिन हमारे पास आर्क में ना कंडीशन लगी हुई है। अब ये मैप वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी कंडीशन भी डिफरेंट होंगी। तो लिखा हुआ है कि ए और बी के दरमियान में जो आर्क है उनके दरमियान में कंडीशन है ए इज लेस देन बी होना चाहिए। मतलब अगर ए बी के साथ देखें, रेफरेंस पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी चीज को किसी चीज के रेफरेंस से समझते हैं तो मीनिंग चेंज हो सकती है, मीनिंग चेंज नहीं होती लेकिन कहने का अंदाज चेंज हो जाता है।
मैंने कहा कि मेरी और आपकी एज में कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस सिर्फ 10 साल का है, 8 साल का है, 9 साल का है, 12 साल का है, जितने भी साल का है, ये डिफरेंस है। लेकिन मैं कहूँ मैं आपसे कितना बड़ा हूँ या आप मुझसे कितने छोटे हैं, तो रेफरेंस चेंज हो जाता है। तो मैंने ये कहा कि अगर ए का बी के साथ आर कंसिस्टेंट चेक करना है तो ए इज लेस देन बी होना चाहिए, और अगर बी का कंसिस्टेंट चेक करेंगे तो बी शुड बी ग्रेटर देन ए। अब समझते हैं कि क्या बात हो रही है। सपोज कर लें कि भाई चारों के अंदर चार वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन ये कंडीशन दी हुई। ठीक है सर, पहले प्रॉब्लम समझ लें उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम देख लें, दो कंडीशन था आपके पास कि ए शुड बी लेस देन बी इन बिटवीन ए एंड बी, एंड बी शुड बी लेस देन सी इन बिटवीन बी एंड सी। इज इट क्लियर? पहले बताएं प्रॉब्लम समझ में आ रही है। अगर प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगी हमें तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फिर फायदा नहीं है उसको आगे चलने का। पहला टारगेट ही ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम समझ में आ जाए। ठीक है सर, तो देखिए सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया आर्क ये वाला, ए ए लेस देन बी वाला। तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यूज को बी से छोटा होना चाहिए। तो हम वही आर कंसिस्टेंसी वाली बात करें, तो ए की हर वैल्यू के लिए बी में कोई ना कोई होना चाहिए जो कंडीशन ट्रू कर रहा हो, ऐसा है या नहीं है? देखिए ए में कौन है, 1 2 3 4, और बी में कौन है, 1 2 3 4। सही है सर, ये ए है ये बी है। सही है, ए की हर वैल्यू के लिए बी में कोई ना कोई होना चाहिए। तो सबसे पहले ए की वैल्यू उठाई 1, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि ए की हर वैल्यू के लिए बी में कोई ना कोई होना। वहीं से शुरू कर रहा हूं, ए की हर वैल्यू के लिए बी में कोई ना कोई होना चाहिए जिस पर कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है ना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डिस्कनेक्ट हो गया था। ये देखिए, दिस इज ए, एंड दिस इज बी। सही है सर, अब देखिए सबसे पहले आप आते हैं किस पे, 1 पे। तो क्या 1 के लिए बी में कोई एक भी बंदा मौजूद है जिस पे कंडीशन ट्रू हो रही हो कि 1 से 1 छोटा है किसी से? जी सही है, तो 1 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है 1 सही है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। अब 2 के लिए देख लेते हैं, तो 2 के लिए 3 और 4 मौजूद हैं जिनसे 2 छोटा है, ऐसा ही है। 3 के लिए 4 मौजूद है लेकिन 4 के लिए कोई मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों, ये आर्क आपस में कंसिस्टेंट नहीं है। इज इट क्लियर, ये आर्क आपस में कंसिस्टेंट नहीं है। तो इनको कंसिस्टेंट बनाने के लिए किसे डिलीट करना पड़ेगा, ए में से 4 को। वंडरफुल, ठीक है, तो हमने ए में से 4 को डिलीट कर दिया। अच्छा, फिर इन्होंने जो आर्क लिया, मैं इन्हीं के पैटर्न से कर रहा हूं, इन्होंने जो आर्क लिया वो लिया सी, सी वाला, ये वाला बी, बी लेस देन सी वाला होना चाहिए। तो सी में 1 2 3 4 थे। अब ये कह रहे हैं कि वही वाली काम इस पे कर लो, तो अगेन हमें पता है कि यहां से भी 4 डिलीट हो जाएगा। 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 2 3 4, 1 के लिए 2 3 4 है, 2 के लिए 3 4 है, 3 के लिए 4 है, 4 के लिए कोई नहीं है, तो यहां से 4 डिलीट हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है सबके? अब चूंकि वैल्यूज अपडेट हुई हैं, तो आप दोबारा से पुराना वाला आर्क ले लें कोई भी। तो हमने दोबारा से ये वाला आर्क ले लिया, कौन सा वाला, ए और बी वाला, बल्कि अब हमने लिया है बी के रेफरेंस से। अब हम बी में से डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हमने लिया बी शुड बी ग्रेटर देन ए, हमने इसको ऐसे लिया है ताकि बी में से कुछ डिलीट हो जाए। जो हम पहले सिलेक्ट करते हैं उसमें से डिलीट करते हैं, दूसरे में से नहीं करते। तो हम बी में से डिलीट करेंगे अब, तो हम ये बी वाला आर्क लिया ए लेस देन बी। तो बताएं बी में हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है जो ए पे ट्रू हो रही हो। तो देखें 1 किसी से बड़ा नहीं है ए में, क्या ये बात सही है या गलत है?
वन किसी से भी बड़ा नहीं है एम, तो इसका मतलब है अभी रुक जाते हैं, टू के लिए वन मौजूद है, थ्री के लिए टू, तो वन को डिलीट कर देना, सही है। अब हम दोबारा से कौन सा आर्क ले रहे हैं, ए इज लेस देन बी वाला। अब देखें ए के लिए सिस्टम में कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए, तो वन के लिए टू है, टू के लिए थ्री है, लेकिन थ्री के लिए कोई नहीं है, तो थ्री डिलीट कर दिया, ठीक है सर, थ्री डिलीट हो गया। अब इन्होंने कौन सा आर्क लिया है, सी, तो सी वाला आर्क है, सी में से डिलीट करते हैं, तो सी के लिए, सी के लिए सिस्टम में बी के पास हर कोई मौजूद होना चाहिए, तो बताएं क्या फोर किसी से बड़ा है, थ्री से, थ्री थ्री टू से, टू के लिए कोई, टू के लिए कोई नहीं है और वन के लिए कोई नहीं है, तो वन और टू डिलीट होगा, सही है ये बात, ये आखिरी वाली बात समझ में आई, सी ये वाला बात समझा रहा हूं, ये वाली बताइए समझ में आई कि सी बी लेस देन सी वाले आर्क चेक कर रहा हूं, तो सी के लिए सिस्टम में बी में कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए जिसमें सी बड़ा हो, तो सी में देखें वन है, यहाँ वन किसी से बड़ा नहीं है, या टू किसी से बड़ा नहीं है, थ्री फोर, तो फाइनल आंसर तो मेरे पास रहेगा वन टू टू थ्री थ्री फोर रहेगा, ये रहेगा, ये मेरे पास है, यहाँ पर एल्गोरिथम रुक जाएगा, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं जिस पर कंडीशन ट्रू हो रही है, इट्स नॉट अबाउट की सिंगल वैल्यू असाइन करनी थी, इट्स नॉट अबाउट की सिंगल वैल्यू असाइन करनी थी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो ये फाइनल आंसर है कि ए को वन टू दे दें, बी को टू थ्री दे दें और सी को थ्री फोर दे दें, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, समझ में आ गई बात, तो ये कहलाती है आर्क कंसिस्टेंसी। ब्रेक के बाद मैं आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैप कलरिंग प्रॉब्लम का ग्राफ दिखा दूंगा कि जिसमें आप जो है जिसमें आप आर्क कंसिस्टेंसी लगा के फॉरवर्ड चेकिंग, तो देखें होता ये है कि फॉरवर्ड चेकिंग और आर्क कंसिस्टेंसी मिला के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। फॉरवर्ड चेकिंग का काम क्या है कि रैंडमली कुछ वेरिएबल्स को आप वैल्यू असाइन कर दें, रैंडमली कुछ वेरिएबल्स को आप वैल्यू असाइन कर दें और उसके बाद आप आर्क कंसिस्टेंसी लगाना शुरू करें ताकि थोड़ी डोमेन ऑलरेडी कम हो जाए। अगर आप आर्क कंसिस्टेंसी स्टार्ट में लगाएंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप ना लगा पाए या आप लगाएं तो शायद सॉल्यूशन ना मिले, तो आर्क कंसिस्टेंसी आप थोड़ी देर बाद लगाएं, आप कुछ वैल्यूज को रेंडमली असाइन कर दें डिफरेंट वेरिएबल्स को ताकि कंस्टेंट वायलेट ना हो और उसके बाद आप आर्क कंसिस्टेंसी लगाने की कोशिश करें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, और अगर नहीं मिलता तो दोबारा से स्टार्ट करें फॉरवर्ड चेकिंग, आप किसी और चीज पे लगाएं। फॉरवर्ड चेकिंग का मतलब क्या है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड चेकिंग का मतलब वही है जो मैं आपको स्लाइड में बता रहा था, तो ये आप रैंडम वैल्यूज असाइन करते हैं, देखें ये देखें फॉरवर्ड चेकिंग हो रही है, ये देखें ये फॉरवर्ड चेकिंग है, ये देख रहे हैं आप, आपने इसको रेड कलर असाइन किया तो वैल्यूज कम हो गई, फिर ये ब्लू ग्रीन कलर किया फिर ब्लू किया जो खत्म हो गई, तो यहां रुक जाए आप, फिर आप इस पर आर्क कंसिस्टेंसी लगा दें, देखें कि भाई इन दोनों को देखें ये दोनों आर्क कंसिस्टेंट नहीं है आपस में, क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लू के लिए कोई ट्रू नहीं हो रहा, तो आप इसमें से ब्लू को डिलीट कर दें, समझ रहे जी बेटा, वही की थी आपने ब्लू को डिलीट कर दिया, फिर आपने दोनों आर्क देखे, ये देखें अब आपने इस आर्क को देखा तो आप प्रॉब्लम ये हो गई, तो आर्क कंसिस्टेंसी सिर्फ सॉल्यूशन बताने के लिए यूजफुल नहीं है, वो आपको फेलियर को अर्ली डिटेक्ट करने में यूजफुल होती है। तो इस तरीके से ना आप अब एक प्रॉब्लम करवानी है मुझे आपको ये आर्क कंसिस्टेंसी की, तो जब आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो कोई सवाल है यहाँ तक तो बता दीजिए ताकि हम उसका आंसर कर दें, और कोई भी सवाल हो शुरू से लेके आखिर तक तो बता दीजिए ताकि मैं उसका आपको आंसर कर दूं। क्या लिखा हुआ है, कैन सॉल्व एन क्वींस फॉर एन इज इक्वल टू 25 क्वीन पजल प्रॉब्लम तक सॉल्व कर सकता है, अगर ये तमाम ह्यूरिस्टिक और ये तमाम चीजें आप कंबाइन करके चले और इसका सॉल्यूशन दे, तो मुझे बताएं कोई सवाल हो तो, कोई भी सवाल हो,
कोई भी किसी का सवाल हो इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर कर देता हूँ बेटा, ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। आज आपका क्विज भी है क्लास के आखिर में, क्विज नंबर 3 है, क्योंकि लास्ट वीक क्लास नहीं हुई थी और उसकी मेकअप की भी बात करनी है आप लोगों से, अगर ऑफिशियली तो अनाउंस हो ही जाएगी। जी कोई सवाल नहीं है, किसी का कोई भी सवाल नहीं है, कर लेते हैं इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है करते हैं इसके बाद। चलें ये मीटिंग एंड हो रही है तो ठीक है बेटा, इसी में से आएगा चैप्टर में से कोई आर्क कंसिस्टेंसी या यही बैक ट्रैकिंग वगैरह में से कुछ आएगा, ठीक है ओके।